एक ओवर में 36 रन तो कई बार बन चुके हैं, लेकिन एक ओवर में 39 रन T20 इंटरनेशनल में पहली बार बने हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में इस कमाल को करने वाला खिलाड़ी उस देश से है जिसकी आबादी 2 लाख से भी थोड़ी ही ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं समोआ के विकेटकीपर बल्लेबाज डेरियस विसर की, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए हैं और 39 रन भी जमाए हैं। उन्होंने ऐसा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर ए मैच में वानुआतु के खिलाफ किया है। डेरियस विसर ने वानुआतु के गेंदबाज नलिन निपिको को टारगेट करते हुए उसके एक ओवर में 39 रन कूट दिए। 3 नो बॉल वाले इस ओवर में डेरियस ने 6 छक्के उड़ाते हुए 39 रन की स्क्रिप्ट लिखी। भारत के युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के लगाकर एक ओवर में 36 रन बनाए थे, लेकिन समोआ के डेरियस ने 6 छक्कों के साथ 39 रन जमाकर अब उन्हें पीछे छोड़ दिया है और युवराज का 17 साल पुराना रिकॉर्ड अब टूट चुका है। T20 इंटरनेशनल के एक ओवर में 36 रन साल 2021 में कायरन पोलार्ड और 2024 में निकोलस पूरन और दीपेंद्र सिंह एरी ने भी बनाए थे। समोआ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने युवराज सिंह के साथ साथ इन सबका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेरियस विसर की पारी का अंत इन बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर ही नहीं हुआ, इसके बाद उन्होंने वनुआतो के खिलाफ मैच में शानदार शतक भी जड़ा। ऐसे करते हुए वो T20 इंटरनेशनल में शतक जमाने वाले अपने देश के सबसे पहले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। डेरियस विसर ने 62 गेंदों का सामना करते हुए 132 रन की पारी खेली, जिसमें 14 छक्के शामिल थे। 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेली उनकी इस दमदार पारी ने समोआ को ना सिर्फ टूर्नामेंट में दूसरी जीत और 2-4 कराया, बल्कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदों को भी अब जिंदा रखा है।